हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक अमेजिंग रेमेडी लेके आई हूँ। ये है मेहंदी, मतलब नेचुरल मेहंदी की पत्तियाँ, जो कि मैंने नेचुरल मतलब पेड़ से तोड़ी हुई हैं। ये कोई मार्केट की चीज़ नहीं, मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं होगी, आपको खुद ही मेहनत करके ढूंढ करके इन मेहंदी पत्तों से अप्लाई करना होगा। तो इसका मैं मेहंदी पैक बनाने वाली हूँ, एंड ये कि नेचुरल पत्तों से ही होगा। आप हो सके तो आप भी कहीं से इसको मतलब लेके आ जाइए। एंड इस तरह से मैंने पानी में गला लिया है, जिससे इन्हें पीसने में हेल्प होगी। डायरेक्ट आप पीस देंगे तो क्या है, पिसेगी नहीं, काफ़ी चिकनी होती है, तो इसलिए थोड़ा मैंने इसे गला दिया है। इसे फिर थोड़ा थोड़ा लेके हम इसे पीस देंगे। इन हल्का हल्का पानी ऐड करते हुए आपको इसे पीसना है, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं डालना है, पतली मेहंदी नहीं करनी। इस तरह से मैंने इसे पीस लिया, आप देख रहे हैं। आपके बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए। आपको इसे बालों के रूट से लेंथ तक अप्लाई करना है, तो जितनी मेहंदी आपके बालों में लग जाएगी आप उतना ही पीसीजिए और उतना ही लीजिए। ये बहुत ही नेचुरल मेहंदी है। अगर आपके बालों में फंगस इन्फेक्शन है उसको भी दूर करे, डैंड्रफ प्रॉब्लम, एंड बालों के वॉल्यूम को बढ़ाएगी, एंड बालों को सिल्की साइन भी देगी। जो आप इसमें ऐड कर रहे हैं एग, ये भी बहुत हेल्पफुल है आपके बालों ओके फंगल इन्फेक्शन एंड बालों के साइन के लिए। ये बालों को साइन ही करता है। एंड इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टी स्पून आंवला पाउडर। एंड अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1 से 1.5 चम्मच मैंने रीठा सीका का ही भृंगराज, ये 3 का पैकेट। इसमें तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में ऐड है, रीठा सीका का ही और भृंगराज। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। एंड अब मैं इसे अपने बालों में अप्लाई कर लूँगी। मेहंदी को अपने बालों में अप्लाई करने से पहले, किसी भी प्रकार की मेहंदी हो, आप अपने बालों को उस दिन अच्छे से वॉश ज़रूर कर लीजिए शैम्पू से। आपके बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए। देन आप अपने बालों के सारे टेंगल्स को रिमूव कर लीजिए। आपके बाल उलझने नहीं चाहिए, क्योंकि मेहंदी लगाते वक्त आपके बाल काफ़ी उलझते हैं, तो बाल थोड़े गिरते भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप बालों को अच्छे से मतलब उसके सारे टेंगल्स को रिमूव कर लीजिए। एंड बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जिससे मेहंदी को अप्लाई करने में आसानी हो। इस तरह से तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब मैं पहले एक साइड के बालों में मेहंदी अप्लाई कर ली। मैं इसे रूट से लेके बालों के स्कैल्प से लेके सिर के एंड बालों के लेंथ पूरे नीचे तक मैं इसे अप्लाई करूँगी। और ये जो मेहंदी है इसका हल्का सा कलर भी आएगा, ये नेचुरल है तो इसमें ज़्यादा केमिकल तो नहीं होती हैं, तो जिसका कलर होगा वो नेचुरली होगा। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एंड जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको इसे अप्लाई कर लेना है। ये मेहंदी जो होती है स्कैल्प पे आप अप्लाई करते हैं, आपके स्कैल्प को भी काफ़ी ठंडक देती है, तो काफ़ी ठंडक देगी। एंड मार्केट वाली नहीं है, तो मार्केट में ये आपको नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप इसे रखना चाहें तो जब आपको ये मिल जाए तो आपको इसे सुखा कर, इसका पाउडर फॉर्म में सुखा करके उसका पाउडर बना करके देन इसे आप अच्छे से रख सकते हैं। बट अगर आप पत्तों को सुखा करके पाउडर बना के रखते भी हैं, तो आप इस मेहंदी को छाए में ही सुखाएं, मतलब धूप में ना रखें, इसकी स्मेल और इसके अंदर जो भी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए उसी प्रकार सुखाएं। तो इस तरह से इस पैक को बनाएगा। इसके अंदर जो रीठा सीका ही आंवला है, ये आपके बालों को कलर देंगे। आपके बालों में जो वाइट होने की प्रोग्रेस रहती है, प्रोसेस रहती है, जल्दी वाइट हो जाती हैं, तो उससे बचाती हैं, आपके बालों को कलर करती है, एंड नेचुरल कलर मतलब ब्लैक कर देती है बालों को, अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को तो। एंड बालों के जो वो झड़ने की प्रॉब्लम होती है, जब ज़्यादा से ज़्यादा हेयर फॉल होता है, तो उसको भी कंट्रोल करती है। इसके अंदर आंवला है, आंवला बालों के हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, और काफ़ी सारे इन्फेक्शन को भी दूर करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है बालों को। आपके बालों का झड़ना बंद होगा तो आपके बालों का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसमें भी हेल्प करेगी। एंड इस तरह से मैंने एक साइड के बालों में मेहंदी को अप्लाई कर लिया है, तो आप उन्हें अच्छे से क्लेचर कर दीजिए, जिससे कि आप दूसरे साइड बालों में अच्छे से मेहंदी को अप्लाई कर पाएँ। तो इस तरह से मैं दूसरी साइड मेहंदी को अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से। मैं इसे पूरी तरह से रूट्स से लगा रही हूँ, एंड इसके बाद फिर हम इसे वॉश करेंगे। आपको जैसे ही मेहंदी मेरी, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेहंदी मेरी कम्प्लीटली लग गई, मैं सारे बालों को खोल के एंड पीछे सारे बालों को इकट्ठा करके क्लचर कर दूंगी। अब इस मेहंदी को आपको अपने बालों में 3 to 4 hours रखना है, इससे ज़्यादा आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड धूप में आप बिल्कुल भी ना जाएं, धूप में से ना सुखाएं। 3 से 4 hours बाद इसे आप बिना शैम्पू के आपको वॉश करना है। शैम्पू या कंडीशनर का इस्तेमाल आपको
नेक्स्ट डे करना है। आज के दिन आपको इस अंडे की स्मेल को बर्दाश्त करना पड़ेगा, सिंपल पानी से वॉश करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे बालों में मेहंदी किस तरह से उसका असर दिख रहा है, मैंने वॉश कर दिया। अभी इसमें मैंने ना ऑयल अप्लाई किया है, ना ही मैंने कंडीशनर शैम्पू इस्तेमाल किया। सिंपल मेहंदी बालों से निकाली है और बाल ड्राई कर लिए, बाल सूख चुके हैं। तो इस तरह से है। एंड अब शाम को आपको जैसे ही आप जिस दिन आप मेहंदी लगाएं उसमें फिर नाइट को आप वालों आपको बालों में ऑयलिंग करनी है, पूरे रूट से लेके एंड उसके लेंथ तक ऑयलिंग करनी। एंड नेक्स्ट डे आपको शैम्पू और कंडीशनर कर देना है। थोड़ी स्मेल आएगी, इसमें एग था इसलिए, बट कोई बात नहीं, उस दिन अपन शैम्पू नहीं कर सकते हैं, बाल ज़्यादा ड्राई होंगे। एंड अभी आप देख सकती हैं कितनी अच्छी मेहंदी बालों में दिखी है। मेरे बालों का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ब्लैक हेयर नहीं है, थोड़े से मेरे ब्राउन हेयर हैं, लाइट कलर है मेरे बालों का, इसलिए अगर हल्का सा भी कलर होता है तो वो उस पर जल्दी चढ़ जाता है। तो आप देख रहे हैं हल्का हल्का सा कलर देखा, बहुत ही हल्की झलक देखने के लिए मिल रही है, जो बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, जिससे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड जो आप सर देख रहे हैं कि काफ़ी सिल्की सॉफ्ट दिख रहे हैं, एंड एक नेचुरल साइन भी नज़र आ रही है जो आप देख रहे हैं, और अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया मैंने इन बालों में। सो इस तरह से इसका रिजल्ट है। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। एंड इस तरह से आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कीजिए, पत्ते वाली मेहंदी का इस्तेमाल कीजिए, ये पत्ते वाली मेहंदी है। सो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना। एंड फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साइड में बेल गाइड नीचे सब्सक्राइब बटन, अगर आप नहीं जानते तो नीचे रेड कलर का बटन दिया होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, देन फिर आप बेल आइकन का बटन आएगा, घंटी की तरह घंटे का निशान आएगा, चिन्ह आएगा, तो उस पर आप उस साइन पर आपको क्लिक कर देना है, ऑल पर क्लिक कर देना है, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।